वेलकम स्टूडेंट्स अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज बाय आवर स्कूल लिटिल फ्लावर्स स्कूल मधुपुरम बस्ती। एज आई प्रॉमिस इन माय वार्म अप वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन? इन एक्चुअल स्टूडेंट्स सिम्बायोसिस इज अ काइंड ऑफ फिनोमिनन इन विच two or more than two living organisms used to live together and all partners are mutually benefited। इसको हम हिंदी में समझाते हैं आपको, दो या दो से अधिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहें और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का म्यूचुअल बेनिफिट हो, बराबर बेनिफिट हो, तब ऐसे साथ रहने को, ऐसे एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। डू यू नो स्टूडेंट्स एल्गी, अबाउट एल्गी? एल्गी आर वेरी स्मॉल ग्रीन aquatic plants which don't have true root, true stem or true leaves, but they are having chlorophyll. They can do photosynthesis. They are found inside the water. As you know students, aquatic word वहीं पे लगता है, aquatic means in water. So aquatic plants are those plants which are found inside the water. Okay, algae when living in association with fungi, then such association is known as symbiosis. Kaise? As you know, fungi are small plants which don't have chlorophyll. Clear? Whereas algae are small plants which are having chlorophyll. Algae can do photosynthesis, whereas fungi don't. Fungi can't do photosynthesis. So when they are in association, fungi used to provide mineral and water from large surface area of soil to the algae plant. Again I am repeating, when algae is living in association with fungi, then fungi used to provide mineral and nutrients from surrounding water or surrounding soil to the algae फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये काम तो फंजाई ने किया जो कि नॉन क्लोरोफिलस प्लांट है, ग्रीन नहीं होता है। फंजाई का ही एग्जाम्पल हमने बताया था आपको, मशरूम। मशरूम की सब्जी बनती है आपके यहाँ, कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है मशरूम? नो, इट इज वाइट और क्रीमिश इन कलर। ओके, सो फंजाई प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, फंजाई प्रोवाइड मिनरल एंड वाटर टू द एल्गी फ्रॉम लार्ज सरफेस एरिया। इट यूज टू एब्जॉर्ब दैट मिनरल एंड वाटर एंड प्रोवाइड टू एल्गी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या करता है एल्गी, फिर फंजाई को क्या देता है? फंजाई ने तो दिया इसको, लेकिन हमने कहा है सिम्बायोसिस इज सच एसोसिएशन इन विच बोथ पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। ठीक है, तो फंजाई ने कुछ किया एल्गी के लिए, तो एल्गी को भी कुछ करना चाहिए। देखते हैं एल्गी क्या करती है इसके लिए। विद द हेल्प ऑफ दैट मिनरल एंड वाटर एल्गी डू फोटोसिंथेसिस एंड द फूड विच इज मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सम पोर्शन ऑफ दैट फूड एल्गी प्रोवाइड टू फंजाई। समझ में आई बात आपके अंशिका? समझ में आई बात गुप्ता? फंजाई ने एल्गी को क्या प्रोवाइड किया? मिनरल और वाटर सराउंडिंग सरफेस एरिया से एब्जॉर्ब करके। एल्गी ने फंजाई को बदले में क्या दिया? प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल। तो सच एसोसिएशन इन विच बोथ पार्टनर्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड इज नोन एज सिम्बायोसिस। ओके, क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल बता दें आपको, इस एल्गी प्लस फंजाई का जो एसोसिएशन है इसको
हम कहते हैं एल आई सी एच ई एल. व्हेन एल्गी यूज टू लिव इन एसोसिएशन विद फंजाई देन सच एसोसिएशन इज नोन एज लाइकेन. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज गिवेन इन योर बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक पेज नंबर 120. ओपन योर बुक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गिवेन इन योर बुक दैट सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय प्लांट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट प्लांट यूज टू सिंथेसाइज इट्स फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च के फॉर्म में ही प्लांट फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. बट दिस स्टार्च इज मेडअप ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. व्हाट आर दोज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? फोटोसिंथेसिस में प्लांट ले क्या रहा है बाहर से? CO2 ले रहा है, H2O ले रहा है और मिनरल ले रहा है, वाटर ले रहा है. इतना ही, H2O मीन्स वाटर, इतना ही सब्सटेंस तो ले रहा है और इन्हीं सब्सटेंस का ब्रेकडाउन करके वो बना दे रहा है स्टार्च. स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक. नाउ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. इट मीन्स ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. व्हेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ ईच अदर देन ग्लूकोज और स्टार्च इज फॉर्म. ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रुक्टोज, मैनोज, कार्बोहाइड्रेट, सभी का केमिकल फॉर्मूला यही होता है, ठीक है. और सारी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के हैं, सब के सब कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के हैं. एंड व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग फूड, ठीक. तो व्हेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म स्टार्च और ग्लूकोज, क्लियर. बट समटाइम्स प्लांट यूज टू प्रिपेयर अदर फूड मटेरियल ऑल्सो इन स्पाइट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. व्हाट आर दोज स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स? लिसन, समटाइम्स अ वेरी स्पेशल ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच आर नोन एज लेग्यूमिनस प्लांट्स. Leguminous plants, they used to synthesize what? Proteins. They used to synthesize proteins, and proteins are made up of carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Clear hai? Anshika Chaudhary, clear hai? Now, from where this nitrogen comes, plant take carbon dioxide in which carbon is present, plant take H2O in which hydrogen is present, and in H2O, that is water, oxygen is also present. But from where this nitrogen comes? In actual students, nitrogen is present in abundant in our atmosphere. How? What is the concentration of nitrogen in atmosphere? 78%. But any plant or any animal is not capable to take nitrogen directly from atmosphere, because nitrogen which is present in the atmosphere is in molecular form, N2. Nitrogen जो 78% atmosphere में है वो N2 के form में है. And neither any animal including human beings nor any plant is able to take nitrogen in this form. Any plant or any animal is capable to take nitrogen only in form of NO3 or NO2, that is nitrate or nitrite,
these are ions. About ions, you will study in senior classes. But here, remember that these are ions. And plant or animal take nitrogen from its surrounding only in these forms, not in this form. So from where this nitrogen comes? Once again, question is same. From where this nitrogen comes? In actual, this nitrogen goes into the soil by some special type of mechanism. Some plants, which are known as leguminous plants, all pulses are examples of legumes. जितनी भी pulses आपके यहाँ हैं, जितनी भी pulses आप खाते हैं, pulses means दालें, अरहर, मटर, मूंग, चना, उड़द, ये सब जितने भी pulses हैं, इन सारी pulses को कहा जाता है legumes, legumes. And plants of these pulses are known as leguminous plants. Listen very carefully. All leguminous plants are having nodules in their roots. Regarding same, an activity is given in your book. Read that activity. All leguminous plants, suppose this is the root of any leguminous plant, then in their roots, they are having some special type of knot here, nodules here. आप इसको देख भी सकते हैं, वो एक्टिविटी बहुत ईजी है. आप सराउंडिंग एरिया में जाइए और कहीं भी अगर ग्रैम का प्लांट है, ग्रैम मीन्स चना, ग्रैम का प्लांट है या अरहर का प्लांट है, पिजन पी जिसको हम बोलते हैं, मटर का प्लांट है, पी का, गार्डन पी का, स्वीट पी का, या फिर आपका ग्राउंडनट का प्लांट है, ग्राउंडनट, ठीक. तो ये सबके, इन सबकी रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स बहुत इजीली आपको दिख जाएगा. ओके, इफ वी कट दिस रूट नोड्यूल एंड ऑब्जर्व द सेक्शन, देन वन कैन इजीली ऑब्जर्व दैट इनसाइड दिस नोड्यूल देर इज रेडिश स्ट्रक्चर और ब्राउनिश स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. ओके, इन एक्चुअल दीज ब्राउनिश स्ट्रक्चर आर सम स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया. दीज बैक्टीरिया आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इज एजोटोमोनस, नाइट्रोसोमोनस, एजोटोबैक्टर, सूडोमोनस, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस टर्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. ओके, वॉट दीज बैक्टीरिया डू इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, क्या करते हैं यहाँ प्रेजेंट होकर के? These bacteria are responsible for fixation of atmospheric nitrogen into the soil. So they are very beneficial for the plant, for leguminous plant, for proteinaceous plant, protein yielding plants. They are very helpful, very cooperative in nature. Okay? So from atmosphere, that nitrogen goes into the soil with the help of these nitrogen fixation bacteria, which turn that molecular nitrogen into NO3 or NO2. अब जब वो NO2 NO3 के फॉर्म में कर दिया इस बैक्टीरिया ने, तो उसके बाद प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है. तो दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन leguminous plants. ओके, now after this, some more mechanism of nitrogen fixation, that is when lightning occurs, it is, lightning is natural phenomena. कोई करता तो है नहीं इसको, कि कोई करता है इसको बताइए, नहीं करता ना.
तो इट इज नेचुरल फिनोमेना. तो व्हेन एवर लाइटनिंग इज हैपनिंग नेचुरली देन सम पोर्शन ऑफ 78% नाइट्रोजन गोज डीप इनटू द सॉइल एंड चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ NO2 और NO3. एंड व्हेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट इज N2 चेंजेस इनटू NO2 और NO3 एनी प्लांट एनी लिग्युमिनस प्लांट कैन इजिली एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. ओके नाउ after that in your book it is written nitrification denitrification and ammonification. These are three terms written in your book. So read the definition of these three. Only one line, two line definition is given in your book. Read the definition of these and prepare yourself for questions in my next video. And prepare yourself for doing homework also. Okay. Now only few portion is left in this chapter. After which this chapter is going to be complete. This is all about today, students. Now we will meet, revise whatever we have studied today, and we will meet again in next online class. Thank you, class 7th. Thank you.